उस प्रोग्राम को लेकर के हमारे जितने भी शिक्षार्थी हैं उनको ये कहा गया था कि आप अपने अपने तरीके से आप जाकर के जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस का संकल्प पत्र है उसको पढ़ाने का काम करें और जो हरियाणा सरकार से हिसाब मांगा जा रहा है उसको भी जो है ना बताने का काम करें। और ये एक फार्म आपको दिया गया होगा अभी, इसके अंदर आपसे सुझाव मांगे जा रहे हैं कि आप हरियाणा मांगे हिसाब। कांग्रेस से है आज ये यात्रा, आज से टापड़ों से शुरू हो रही है। किसी कारण बस थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ, क्योंकि मैं सारे प्रत्याशियों से फ़ोटो रिसीव कर रहा था और काफ़ी लेट हो गया फ़ोटो लेने में। हमारे फ्लैग्स आने में समय लग गया, क्योंकि किसी परिवार में जब कोई प्रोग्राम होता है और जो सभी को एकत्रित किया जाता है तो उसमें थोड़ा विलम्ब होता है, इसलिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। आज भाजपा से पूरा प्रदेश त्रस्त है, रोजगार की व्यवस्था खत्म हो चुकी है, महंगाई चरम पे है, किसानों का समर्थन मूल्य मिल नहीं रहा है और कई समस्याएं हैं। इसको लेकर पार्टी ने जो नारा दिया है हरियाणा मांगे हिसाब और कांग्रेस पार्टी से ह्यास, इस प्रोग्राम के तहत हम ये यात्रा आज टापड़ों से शुरू कर रहे हैं। आप लोग काफ़ी समय से हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं ज़्यादा ना बोल करके आप लोगों से निवेदन करता हूँ, इस यात्रा में आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मैं सारे प्रत्याशी मिलकर आज टापड़ों में भ्रमण करेंगे और इसके बाद समापन करेंगे। अगला जो प्लान होगा कल या परसों, दूसरी जो भी स्थान होगा बास या कोई जो चयन होगा उसमें भारी से भारी संख्या में आप लोग पहुंचने का प्रयास करिएगा। जहां से हम लोग शुरुआत करते हैं, जहां से यात्रा का प्रारंभ होगा होता है, वहां थोड़ा व्यवस्था और अव्यवस्था चलती रहती है। आज लेट हुआ हूं, आगे जो भी प्रोग्राम होगा वो समय से होगा। आप सब लोग आए और काफ़ी समय से हमारा इंतजार किया, इसके लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। गांव कोटकला और हमारे आसपास के गांव से आए हुए हमारे साथियों, सबसे पहले मैं हमारे नानू धनका के प्रभारी श्री अशोक कादियान जी और अभी जो पहुंचे नहीं है दूसरे पर्यवेक्षक श्री लवलेश सिंह जी का, हमारे नारगुंज हल्के के गांव टापड़ों में पहुंचने पर आपका स्वागत करते हैं। उसके बाद आज जो हमारे बीच में हमारे प्रोफेसर राम भगत जी ने बताया था मुझे कि संभावित प्रत्याशी नहीं बोलना है, तो जो टिकटार्थी है, कुछ दिन पहले एक मीटिंग की थी हमारे अशोक कादियान जी ने नारनूंद के अंदर कि बीजेपी से हरियाणा मांगे हिसाब, बस कांग्रेस से ही आस। तो उस प्रोग्राम को लेकर के हमारे जितने भी टिकटार्थी हैं उनको ये कहा गया था कि आप अपने अपने तरीके से आप जाकर के जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस का संकल्प पत्र है उसको पढ़ाने का काम करें और जो हरियाणा सरकार से हिसाब मांगा जा रहा है उसको भी जो है ना बताने का काम करें। और ये एक फार्म आपको दिया गया होगा अभी, इसके अंदर आपसे सुझाव मांगे जा रहे हैं कि आर सिंह हुड्डा की सरकार से आप क्या चाहते हैं, घोषणा पत्र में क्या डाला जाए, ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। सर्वप्रथम मैं हमारे टिकटार्थी जो हमारे सामने बैठे हैं श्रीमती कमलेश सोरेन, श्री ओम प्रकाश डांडा, श्री सुरेश डांडा, प्रोफेसर राम भक्त एक्स एमएलए, भाई रणदीप लोहान, डॉक्टर सुरेंद्र पंघाल, प्रोफेसर राजवीर मोर और आठवां मैं भाई सत्यवीर संधू। आज ना करें बातचीत, ना करें, माइक नहीं है,
आप थोड़ा शांति का दान दें। आज उस चीज का परवान चढ़ने जा रहा है, मेरे चाचा सरजीत सरपंच बैठे हुए हैं, ये कह रहे थे कि भाई सारे टिकटार्थी तो नहीं आए। मैंने कहा पंचायत में फैसला जो है ना एक दिन में नहीं हुआ करता, दूसरे प्रोग्राम में सारे के सारे आ जाएंगे। डॉक्टर साहब का भी कोई बता रहे थे कोई प्रॉब्लम है, वजीर भाई ने भी हमारे को कहा था जितने बाकी टिकटार्थी हैं उन टिकटार्थियों ने भी सबने सहमति दी थी कि 60 गांव में सारे प्रत्याशी मिलकर और गांव के 60 चौपालों में जाकर के हर गांव के चौपाल में जाकर कांग्रेस पार्टी के संकल्प पत्र का प्रचार करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांगने का काम करेंगे। ये मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे गांव में सबसे पहले मीटिंग आज कापड़ों में होने जा रही है, 221 बूथ और 60 गांव में सबसे पहला गांव कापड़ों को चुना गया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सबने ही इस बात की सहमति दी कि बूथ नंबर 1 से बूथ नंबर 8 तक कापड़ो गांव में और उसके बाद आगे के जो है ये शुरुआत करेंगे। मैं जो भारत सरकार से भाजपा सरकार से जो हरियाणा मांगे हिसाब इसमें है, सबसे पहले देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता को देना चाहिए। देश में सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है, देश में सबसे ज़्यादा अपराध लूटपाट फिरौती ये हरियाणा में क्यों है, इस बात का जवाब हरियाणा की जनता को चाहिए। हरियाणा में हजारों करोड़ों के घोटाले क्यों हुए, ये जो पोर्टल बना रखे हैं जन विरोधी पोर्टल हरियाणा में ये बेहाल क्यों है, अग्निवीर और कौशल निगम के तहत पक्की नौकरी की जाए। भाजपा के अंदर आपको पता ही है कि किसानों के लिए जो है ना कितनी उनकी मुआवजे नहीं दिए, कितने परेशान हैं। एक साल तक 13 महीने तक हम दिल्ली बैठे रहे, यहाँ 70 दिन तक खेड़ी चोपटा बैठे रहे, वो बलवान भाई और ये सारे भाई सारे इसके बाद के साक्षी हैं। दलित और पिछड़ों की उपेक्षा क्यों, खेलों में हरियाणा नंबर 1 पर होता था, आज पिछड़ा हुआ क्यों, आज हमारी बहन विनेश फोगाट को चालबाजी करके धोखे से मेडल से वंचित कर दिया, ये भी एक सवाल है इनके लिए। ये इनके लिए शर्म की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बार भी कोशिश नहीं की गरीब बाहरी कॉलोनी वासी और श्रमिक बदहाल क्यों, हरियाणा में शिक्षा तंत्र बर्बाद क्यों, स्कूल को बंद कर दिया गया हरियाणा में। आज के दिन जींद में 2-3 दिन पहले जींद में था अपना काजन साहब, वहाँ पर इको नहीं कर सकते, यानी इतना बड़ा अस्पताल है सीटी स्कैन तो छोड़ो इको भी नहीं हो सकती। बेटियों और बच्चे बेटियों समेत हर वर्ग को न्याय क्यों नहीं दिया, लाठियां क्यों चलाई, हरियाणा की अर्थव्यवस्था खराब क्यों हो गई, 2014 और 2019 के घोषणा पत्र को भाजपा क्यों भूल गई, ये हमारे जनता के हरियाणा की जनता के भारतीय जनता पार्टी से सवाल है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के हमारे सर्वप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, श्रीमती सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के आदेश से ये हमारे हरियाणा कांग्रेस का जो संकल्प है, 2 महीने बाद जो कांग्रेस की सरकार आप लोगों की वजह से आ रही है, आज हर आदमी एक ही बात कहता है कि कोई भी आए उसको हम जिताएंगे। तो इसमें सबसे पहले 6000 बुढ़ापा पेंशन देने के लिए संकल्प किया है,
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और कांग्रेस पार्टी ने 2 लाख खाली सरकारी पदों पर, यानी 2 लाख खाली पद पड़े हुए हैं आपके हरियाणा में, उनको भरने का काम जो है ना हरियाणा सरकार, कांग्रेस सरकार करेगी। सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, मनरेगा मेट को पक्का किया जाएगा। युवाओं के लिए योग्यता के अनुसार रोजगार के भरपूर अवसर दिए जाएंगे। शिक्षा के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान की जाएगी। 300 यूनिट बिजली फ्री देगी कांग्रेस की सरकार। गरीब परिवार को 100 गज के मुफ्त प्लाट, 3.5 लाख के लागत से 2 कमरे का मकान कांग्रेस सरकार जो आने वाली है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में देने का काम करेगी। बैकवर्ड बीसी, जिसको बैकवर्ड क्लास बोलते हैं, क्रीमी लेयर, आय सीमा जो 6 लाख है उसे 10 लाख बढ़ाकर कर दिया जाएगा। जितने भी पोर्टल चल रहे हैं जिसकी वजह से आप दुखी हैं, खाद, बीज, पेंशन, ये आईडी, फाइडी, फैमिली, ये सब बंद कर दी जाएंगी। पुरानी पेंशन, आज जो भर्ती हो चुके हैं 2004 के बाद, उनको पेंशन नहीं है कर्मचारी को, पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। किसानों को MSP वे सबसे ज्यादा भाव की गारंटी कांग्रेस सरकार देती है। नशा मुक्त अपराध मुक्त हरियाणा फिर से बनाएंगे। पदक लाओ पदक पाओ की नीति दोबारा लागू होगी। हर गरीब को पीला राशन कार्ड दिया जाएगा। ये 15 गारंटी हरियाणा सरकार की तरफ से कांग्रेस की सरकार आने पर दिया जाएगा। बाकी मैं अब उपेंद्र डाटा से बात करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो संभालें।